तो कुछ अपनी स्टोरी, अब जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपने चूज कैसे किया मुझे डेंटिस्ट ही बनना है, कब डिसाइड हुआ? ये आई थिंक जब काउंसलिंग होती है मेडिकल का एग्जाम देने के बाद, तो काउंसलिंग में रैंक से पीछे रह गए तो एमबीबीएस नहीं मिला ओके एंड वी वर लिटरली इन टीयर्स कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। बट समबडी सेड कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बीबीएस भी अच्छा हो जाएगा, करो करो। सो इट ओके वाज लक बाय चांस, डेस्टिनी में जो होता है, डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी। सो गॉड क्रिएटेड दिस, आई एक्सेप्टेड इट। जो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ कुछ सजेशन आप देंगे कि कितना टाइम, मनी या फिर पेशेंस कितना होना चाहिए? टाइम तो 5 इयर्स का कोर्स है, बट उसके लिए एंट्रेंस आपको क्लियर करना होता है, नीट नीट क्लियर करना होता है। नीट में आपको क्या कॉलेज मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर रैंकिंग, उसके लिए आपको एफर्ट्स पूरे डालने पड़ते हैं राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। आप अच्छे से डेडिकेटेडली अगर आप करोगे तो यू कैन क्लियर डेफिनेटली। देर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कराते हैं तैयारी, एंड ओके वंस यू आर इन कॉलेज, वहाँ पर आप किस कॉलेज में है वो मैटर करता है। किसी भी छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सारे अभी मशरूमिंग है कॉलेजेस की, डेंटल कॉलेजेस की, जहाँ पर कि पेशेंट्स नहीं होते हैं और टीचर्स आर नॉट दैट गुड, टीचर्स आर प्रैक्टिकल्स नहीं नॉट मिल पाते होंगे। प्रैक्टिकल, नहीं कुछ करते, पेशेंट्स को हाथ भी नहीं लगाते। मेरे पास यहाँ पर आते हैं कुछ कॉलेजेस के लोग आए हैं ट्राई करने, दे डोंट नो इवन हाउ टू होल्ड अ मिरर एंड चेक द पेशेंट। ओके ओके आफ्टर तो कुछ भी एक्स डिग्री आफ्टर डिग्री, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। तो अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, यू लर्न अ लॉट, टीचर्स आर वेरी गुड, जहाँ पर अच्छे हैं वो आपको बहुत सिखाते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। हम लोग की जो फील्ड है डेंटल की या मेडिकल की, वी हैव टू कीप लर्निंग एंड इवॉल्विंग आवर सेल्स। हमें कुछ कुछ नया नया जो जो आता है, सब नया इक्विपमेंट कैसे सीखना है, क्या करना है, कैसे यूज करना है, करना पड़ता है। डिग्री के तुरंत बाद जॉब करना ज्यादा जरूरी होता है या फिर खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं आप? मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप जैसे क्लिनिक एक ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे कभी भी कोई अपने से बॉस नहीं चाहिए था। सो आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग माई ओन थिंग एंड आई स्टार्टेड विद शेयरिंग थिंग इन अ पॉली क्लिनिक, जहाँ पे एक चेम्बर में मैं अपना सेटअप स्टार्ट किया। एंड आई वॉज वेरी यंग, पीपल यूज टू बी वेरी दे यूज टू बी वेरी क्रिटिकल कि आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे। राइट, बट देन अल्टीमेटली पीपल रियलाइज दैट वी नो द वर्क, कर सकते हो कर आप। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट में जॉब नहीं है इंडिया नहीं में। ओके अगर हम इनकम की बात करें तो ऑब्वियसली अपना क्लिनिक, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनकम तो अनलिमिटेड है, आप कितना भी अर्न कर सकते हैं। तो एक रफली फिगर बताएंगे जॉब का और उसका कंपैरिजन में, कि एक डेंटिस्ट कितना कमा लेता है? डेंटिस्ट डिपेंड करता है वो कितना कमाना चाहता है और क्या मींस है उसके, क्या लोकेशन है क्लिनिक की, किस टाइप की क्लाइंटल को वो केटर कर रहा है और कितना बड़ा सेटअप है। इफ सपोज 10 चेयर लगाई है उसने, तो ही नोज कि उसके पास 10 पेशेंट एक बार में आएंगे राइट एंड देन ओनली ही इज इन्वेस्टिंग दैट मच मनी। सो देर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एंड टाइम मनी एनर्जी एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड, डिपेंडिंग ऑन दैट यू गेट रिटर्न्स।